राजस्थान में फर्जी डिग्री बांटने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक निजी विश्वविद्यालय के संचालक और उससे जुड़े दो दूसरे कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोगों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से हजारों फर्जी डिग्री बांटी। ये भी कहा जा रहा है कि उन डिग्रियों पर सैकड़ों लोग देश के कई इलाकों में सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं। हमारा भारत की यह विशेष रिपोर्ट। देश में पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं राजस्थान में फर्जी डिग्री बनाने वाले लोग पकड़े गए। ये वो लोग हैं जो पैसे लेकर फर्जी डिग्रियां बांटते थे। सबसे बड़ी बात, इस मामले में एक यूनिवर्सिटी के संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। एसओजी ने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री जारी करने के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया। उनसे दर्जनों फर्जी डिग्री, मुहर और दस्तावेज बरामद हुए। जांच में कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। ओपीजीएस यूनिवर्सिटी को 2016 में बीपीएड के लिए मान्यता मिली थी। विश्वविद्यालय हर साल 100 विद्यार्थियों को बीपीएड की डिग्री दे सकता था, लेकिन पीटीआई भर्ती परीक्षा में 1300 विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने ओपीजीएस से डिग्री ली है। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ 18 टीचिंग स्टाफ थे और इनके भरोसे यूनिवर्सिटी 18 कोर्स चला रही थी। अब फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय में नए नामांकन पर रोक लगा दी है। अभी तक के इंस्टेंसेस में कैश लिया है और ज़्यादातर ये काम दलालों के थ्रू हुआ है, जिसमें कुछ दिनों पहले जो हमने 2-3 दलाल अरेस्ट किए थे वो इस यूनिवर्सिटी के लिए ही काम कर रहे हैं। तो जनरली ये इनका मोडस ऑपरेंडी होता है कि भाई पहले कुछ पैसे लेकर ये रोल नंबर जारी कर देते हैं और उसके बाद जब एक्चुअल सिलेक्शन हो जाता तब ये डिग्री बेचते, वहाँ भी भावताव करते। जो कैंडिडेट इनको पैसे नहीं देता उसके वेरिफिकेशन ये मना कर देते। राजस्थान में पेपर लीक मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था और एसओजी के एडीजी वीके सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी थी। ये सामने आ रहा है कि यूनिवर्सिटी के लोग कैंडिडेट से 50,000 से लेकर कई लाखों रुपयों तक लेते थे। अगर कोई कैंडिडेट पूरी राशि नहीं देता था तो वेरिफिकेशन के वक्त उसे अपना स्टूडेंट नहीं मानते थे। पुलिस मान रही है कि पीटीआई भर्ती परीक्षा में इस यूनिवर्सिटी का फर्जी डिग्री का सबसे अधिक इस्तेमाल हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि करीब 200 कैंडिडेट फर्जी डिग्री के सहारे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अब एसओजी इन सब पर कार्रवाई करने जा रही है। जयपुर से सोमू आनंद की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो फर्जी डिग्री के इस खेल में जुड़े दूसरे लोगों की भी तलाश हो रही है। सामने आया है कि फर्जी डिग्री गिरोह से जुड़े बदमाश बिना डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को किसी भी परीक्षा में आवेदन करवा देते, फिर वो परीक्षा देता या उसकी जगह डमी अभ्यर्थी बिठा दिए जाते। परीक्षा पास होने पर अभ्यर्थी को फर्जी डिग्री मुहैया करवाकर नौकरी लगवा दी जाती, बदले में मोटी रकम वसूल की जाती थी।